राजनगरी फेज दो स्टेट जोनल पार्क में 30 से अधिक आयामों की विस्तृत चर्चा की और आगामी कार्यों की जानकारी साझा करी। इससे पहले संसद के अध्यक्ष लाल सिंह ठाकरे ने कार्यक्रम के संपादक हिमेश विथरिया का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि योग से शरीर निरोग रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में योग को शामिल करने की आवश्यकता है। योग के अलावा पिछले 2 वर्षों में समर्थ फाउंडेशन ने आगरा शहर में जरूरतमंदों और मरीजों के लिए बहुत कार्य किए हैं। आज समर्थ फाउंडेशन का तृतीय स्थापना दिवस यहाँ जोनल पार्क ताजनगरी आगरा में मनाया गया। यहाँ पर आज योग शिविर के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठन के 24 से 27 आयामों के विषय में आज यह रखा गया। यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी हिमेश विथरिया जी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। योग गुरु आदरणीय वीबी शुक्ला जी ने योग कराने के बाद हमारी इस संगठन के सभी सदस्यों को संगठन के विषय में बताया और संगठन के विषय में बताते हुए यह कहा कि समर्थ फाउंडेशन जन सेवा में अग्रणी एक संस्था है जो कि थैलीसीमिया के रोगियों को लेकर बहुत सारे काम करने जा रही है। अभी हाल ही में HLA टाइपिंग कैंप लगाया है और रक्तदान के शिविर हम आयोजित करते हैं। ऐसी संस्था के साथ रहकर हम जन सेवा के कार्य से जुड़े हुए हैं और ये तृतीय स्थापना दिवस पर आज योग को घर घर पहुंचाने का संकल्प हमने लिया है। धन्यवाद। लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में संस्था इसी प्रकार के कार्यों से शहर का नाम रोशन करे। भारतीय योग संस्थान के जिला प्रधान वीपी शुक्ला ने समर्थ फाउंडेशन की प्रथम शाखा जोनल पार्क मित्र मंडल के 2 केंद्र प्रमुख उमेश वर्मा और देवकी नंदन शर्मा की घोषणा की। DG महाराजा न्यूज के लिए आशीष पराशर की रिपोर्ट।